सब फ्रेंड्स हम जा रहे हैं, अज्जू और मैं जा रहे हैं, अज्जू मैं और जया जा रहे हैं अभी बंदरकोट, वहां से लाएंगे हम सामान और थोड़ा डुंडा जाएंगे, डुंडा से भी कुछ सामान लाना है, तो सारा सामान लेकर के मिलते हैं आपको बंदरकोट। जगमगा दूंगा मैं हर सुबह तेरी खुद को बना। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं मेरा चैनल पी के परी व्लॉग। तो फ्रेंड्स सुबह की बज चुकी है 8:30 और अज्जू लड़ रहा है मेरे साथ और हम निकल रहे हैं अभी बंदरकोट और बंदरकोट से लाएंगे हम सामान और अभी हमारे पास है स्कूटी और बंदरकोट में दे देंगे भैया हमें कार और देखते हैं क्या क्या सामान लाते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। हम जा रहे हैं अभी बंदरकोट, बंदरकोट हम इसलिए जा रहे हैं कि हमने भरना है वहाँ पर सामान और अभी हमारे पास स्कूटी है, हम स्कूटी से 3 लोग जा रहे हैं और पीछे है जयप्रकाश, आगे चला रहा है अज्जू गाड़ी और यूके पहाड़ी ब्लॉगर आगे गाड़ी चला रहा है और जयप्रकाश ब्लॉगर पीछे बैठा है और फ्रेंड्स हम जा रहे हैं अभी राशन भरने, राशन भर के आ जाएंगे, वहाँ से मिलेगी हमें गाड़ी और हम वहाँ से आएंगे कार पे और स्कूटी ले जाएंगे भैया, देखते हैं क्या क्या सामान पैक हो जाता है। सोचते तो हम यही कि बंदरकोट में ही सामान मिल जाए हमें, सारा बाजार जाने की जरूरत ना पड़े, तो देखते हैं क्या क्या सामान मिलता है। आजकल चल रही है खेतों में गुड़ाई, देख ही रहे हैं आप यहाँ पर सभी महिलाएं यहाँ पर गुड़ाई करने आ रखी हैं और ये लोकेशन है बांडा की और ऊपर जस्ट इसी के अपोजिट में मामा लोगों का घर है और ये है यहाँ पर नवदर्शन ज्योति विद्यापीठ एकेडमी विद्यालय भवन और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ को कुछ इस तरीके से दृश्य बन रखा है, पहाड़ों का दृश्य बहुत ही सुहाना रहता है। देखिए मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 8:30 बज रहा है टाइम और ये देखो यहाँ पर हमारे फ्रेंड्स मिले हैं, ये देखिए मजबूर जैसा दिल रो रहा है, दिल है परेशान राजा इश्क जैसा, कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। हमें बंदरकोट मिल जाएगा, वहां से लेंगे हम सामान, पहला टर्न ये है, इसके बाद हमें सीधे डायरेक्ट नेशनल हाईवे गंगोत्री मिलने वाला है और अज्जू भाई बहनों पे हर जगह पे हॉर्न देके ही चल रहा है, आप देख ही रहे हैं अज्जू भाई के चलाने का स्टाइल और अज्जू भाई ने यहाँ भी हेलमेट पहन के रखा क्योंकि ये सेफ्टी है और देख ही रहे हैं फ्रेंड्स जब भी गाड़ी चलाओ तो हेलमेट पहन के जरूर चलाओ और बढ़िया ढंग से और सेफ सपोर्ट और यहाँ से ले लेंगे हम सामान और सामान हम इसलिए ले रहे हैं कि क्योंकि मेरे सिस्टर की है शादी, यानी अज्जू भाई की बहन की है शादी, तो इसलिए मामा ने हमें भेज रखा है सामान लेने, तो देखते हैं यहाँ सामान मिल भी सकता है कि नहीं मिल सकता है। बंदरकोट और भैया की दुकान है अभी बंद, मैंने फ़ोन करा लेकिन फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, देखते हैं कितनी देर में आते हैं वो, एक बार दोबारा फ़ोन कर लेता हूँ और सामान हमने लेना है यहीं से, देखते हैं कितना टाइम लगता है उन्हें आने में, फ़ोन हमने कर रखा उन्हें और मिल गए हैं भैया देखिए यहाँ पर और हम जा रहे हैं अभी डुंडा, डुंडा से भी कुछ सामान लेना, जब तक जुयाल भैया खुलते हैं तब तक हम डुंडा का टूर मार के आते हैं और अभी हमने स्कूटी यहीं पर खड़ी कर दी, हम निकल चुके हैं कार से और हम बैठे हैं, भैया ड्राइविंग कर रहे हैं, अज्जू भाई इधर बैठ रखा है और जय प्रकाश और मैं इधर बैठ रखा हूँ। हाय देखिए यहाँ का कुछ सीन ऐसा है और यात्रा आजकल उत्तरकाशी में बहुत ज्यादा चल रही है और यहाँ यात्रा जो चलती है वो गंगोत्री की यात्रा ज्यादा चलती है, माँ गंगा मैया के पावन दर्शन यहीं से होते हैं इस रूट से और फ्रेंड्स आइए यहाँ की गाड़ी, यहाँ की रोड एकदम मस्त हो रखी है, आजकल सही हो चुकी है रोड, नेशनल हाईवे बन चुका है ये और देख ही रहे हैं आप यहाँ का कुछ इस तरीके से दृश्य और सामने वाला गाँव जो है वो अठाली है, अठाली का पुल है और अभी जा रहे हैं हम डुंडा, हम गंगोत्री की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम आ रहे हैं अभी ऋषिकेश के लिए और देख ही रहे हैं आप यहाँ का कुछ दृश्य और आप भी आइए आनंद लीजिए इन पहाड़ों का, मस्त वाले पहाड़ हैं यहाँ के और देख ही रहे हैं आप यहाँ ये माँ गंगा मैया है और देख ही रहे हैं आजकल जल स्तर इसका कम हो रखा है क्योंकि मनेरी डैम फर्स्ट
और मनेरी डैम सेकंड में पानी रोका जाता है बिजली उत्पादन के लिए, इसलिए यहाँ पर पानी कम आता है। और वहाँ पर धरासों में झील भी है और झील का भी आनंद ले सकते हैं। और यह है यहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर, ओम नमः शिवाय। तो आप देख ही रहे हैं यहाँ का कुछ दृश्य इस तरह है डुंडा। और डुंडा अभी लगभग मार्केट खुला नहीं क्योंकि हम बहुत मॉर्निंग आ चुके हैं, 8:30 बजे मार्केट खुलेगा, 9-9:30 बजे के आसपास खुलेगा फ्रेंड मार्केट, तब तक हम आनंद लेते हैं यहाँ का। और देखिए यह है डुंडा मार्केट और ये कुछ इस तरीके का दृश्य है। कार हमने पार्क कर ली यहाँ पर, देखते हैं सामान हमें मिलेगा। ये मार्केट है, वहाँ गाड़ी लगाने के लिए कोई जगह नहीं, नीचे वाला मार्केट है और वहाँ गाड़ी लगाने के लिए कोई जगह नहीं, तो हमने यहीं पर गाड़ी पार्क कर ली है। और देख ही रहे हैं ड्राइविंग करा अभी भैया ने और हम आए हैं डुंडा मार्केट। देखिए यहाँ का कुछ दृश्य इस तरीके से, और देख ही सकते हैं यहाँ पर मजे आ रहे हैं घूमते घूमते। देखते हैं कितनी देर में मार्केट खुलेगा, मार्केट खुलेगा तो हम सारा सामान लेकर के चले जाएंगे। अब हमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमारे पास आ गई कार, कार पर पूरा सामान आ जाएगा डिग्गी में। और देखिए यहाँ पर पोलियो हाउस बना हुआ है, डुंडा मार्केट। कुछ कुछ दुकानें खुल चुकी है, कुछ कुछ अभी नहीं खुली है। अभी हम जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे हम गाड़ी चला रहे हैं, तो हम जा रहे हैं अभी फ्यूल भराने, और क्योंकि हमारी गाड़ी का तेल हो रखा थोड़ा सा कम और हम उस टैंक को फुल कर देंगे, क्योंकि तेल मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, तो इसलिए भैया ने बोला टैंक फुल करवा देते हैं। तो निकलते हैं, ये भैया ने पैसे रखे हुए तेल भराने के लिए। ओ देखिए इतने सारे पैसे रखे भाई ने, और देख रहे हैं आप यहाँ का कुछ इस तरीके से दृश्य है। अज्जू भाई बैठा है बिल्कुल फ्रंट सीट पे, और ये देखिए कुछ इस तरीके का दृश्य है। नीचे है इंटर कॉलेज डुंडा, तो फ्रेंड्स ये सामने वाला जो स्कूल है ये इंटर कॉलेज डुंडा है, आदर्श कॉलेज है। और सामने वाला गांव है, सामने वाला गांव कौन सा भाई जी? रनाड़ी स्थल, रतवाड़ी, सैनी, सैनी नहीं है वहाँ, वहाँ कुछ और है। पेट्रोल पंप ये रहा, पेट्रोल पंप ये डुंडा में पड़ता है। और देख ही रहे हैं अब हम टैंक को फुल करवा लेंगे और उसके बाद निकलेंगे मार्केट लिए, तब तक के लिए मार्केट भी खुल जाएगा। यहाँ देखो यात्रियों की बड़ी भीड़ लगी हुई है, फुल हो रखा है यहाँ पर। और देख रहे हैं हमने कार यहाँ पर लगा दी है, फ्यूल फुल करा देते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि भैया अभी इतनी सारी गाड़ियों को फुल करेंगे, उसके बाद हमारी गाड़ी फुल करेंगे। और अब आने लगे कार पे फ्यूल, और देख ही रहे हैं ये देखिए फ्रेंड्स ये मीटर है, अभी तेल चल रहा है आपका 105 लीटर। और भैया हमने फ्यूल भरा दिया है, अब निकलते हैं यहाँ से डुंडा की तरफ, तब तक मार्केट भी खुल रखा होगा। और जया बैठ रखा है साइड पे और अज्जू बैठ गया आगे। अज्जू मैं बैठूं यार आगे? नहीं, तो अज्जू मना बिल्कुल पूरा मना कर रहा है कि आगे मैं ही बैठूंगा, कोई बात नहीं बैठने दो उसे, और हम बैठे रहेंगे पीछे पीछे, मजे आ रही बैठने में। और सामान ले लिया, डिग्गी फुल कर दी है और निकलते हैं यहाँ से बंदरकोट, बंदरकोट का सामान लेते हैं और उसके बाद निकलेंगे हम। मैं वीडियो नहीं बना पाया मार्केट की क्योंकि बहुत स्ट्रेस था काम का, तो हमने पहले सामान पैक करवाया और अब निकलते हैं हम बंदरकोट और बंदरकोट में सामान लेते हैं और उसके बाद निकले। रही है सामान हमने पैक कर लिया, देखो ये पूरा सामान पैक कर लिया, कुछ सामान यहाँ हमने यहाँ रख रखा है, कुछ सामान हम पीछे रखे, डिग्गी फुल कर रखी है, तो सामान हमारा पैक हो चुका है। अब निकलते हैं हम घर के लिए, और मामा को फोन आ रहा था कुछ सामान छूट गया था, मिर्ची छूट गई थी, मिर्ची भी हम ले आए। और अज्जू भाई खा रहा है कुरकुरा, जया भी खा रहा है कुरकुरा, मेरे को थोड़ी गर्मी बहुत ज्यादा, अब मैं एसी चलाऊंगा। Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to Phooliyon ki tujhko bulaye re musafir mere Uttarakhand mein. Badlon ke udke udni vaadiyan. अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी। Thank you.
चीनी का, और ये अजू आ रहा खाली आ रहा, जाया तो सामान ला रहा है और अजू खाली आ रहा है और माँ यहाँ पर घूम रही है। माँ मेरे पास कुछ सामान है और इसको रख देते हैं हम इस कमरे में।